हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन होट टू डबल वन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस लेक्चर ट्वेंटी फोर ओनियन कल्टीवेशन इन दिस लेक्चर आई विल कवर ऑल कल्चर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू ओनियन कल्टीवेशन लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक अदर नेम प्याज जो ऑनियन है इसे हिंदी में प्याज प्याज कांदा भी कह देते हैं कई जगहों पे, कई जगहों पे डूंगली भी कह देते हैं पंजाबी में से गंडा कह देते हैं मतलब अलग अलग क्षेत्र के अंदर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है बोटनिकल नेम एलियम सेपा फैमिली एलिएसी जहाँ इसको कभी कभी लीलिएसी फैमिली भी लिख देते हैं क्रोमोज़ोम नंबर टू एंड सिक्सटीन सोलह होते हैं डिप्लोइड क्रोमोजोम नंबर औरिजन सेंट्रल एशिया और एडिबल पार्ट इसका बल्ब होता है हिंदी में इसको शल्क कंद कह देते हो जिसे ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑनियन आफ्टर नीदरलैंड ट्वेंटी वन परसेंट एंड स्पेन जो भारत है वो बारह परसेंट एक्सपोर्ट करता है पूरे विश्व का ऑनियन प्याज तीसरे नंबर पे इसकी रैंक है एक्सपोर्ट करने में निर्यात करने के अंदर जबकि नीदरलैंड पहले नंबर पे है दूसरे नंबर पे स्पेन का है ठीक है एक और याद रखना नीदरलैंड ज़्यादातर जो भी बल्बस प्लांट है ठीक है जिनके अंदर बल्ब पैदा होते हैं ऑर्नामेंटल एवल है ही तो नीदरलैंड उनमें सबसे टॉप नंबर पे आता है पहले नंबर उसकी रैंक की आती है ठीक है बल्बस प्लांट के एक्सपोर्ट के अंदर इंडिया रैंक सेकेंड इन एरिया एंड प्रोडक्शन आफ्टर चाइना और जो प्रोडक्शन है उसमें भारत का दूसरा नंबर है चाइना के बाद इन इंडिया महाराष्ट्र इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट विद ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री विद एन एरिया ऑफ टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर परसेंट महाराष्ट्र एक लीडिंग स्टेट है भारत के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है प्याज का और लगभग सत्ताईस पूरे देश का जो उस है उसका सत्ताईस पॉइंट पाँच परसेंट वो प्रोड्यूस करता है और जबकि जो एरिया है उसके अंदर में तेईस पॉइंट चार परसेंट है महाराष्ट्र के अंदर ठीक है बिगेस्ट ओनियन मार्केट इन इंडिया जो बिगेस्ट मार्केट है इंडिया में अंदर प्याज का तो वो है लासव महाराष्ट्र के अंदर ही है ठीक है ला गाँव फ्रोजन एक्सेंज अर्निंग फ्रॉम ऑनियन सेवेंटी सेवन परसेंट ऑफ अमंग द फ्रेश वेजिटेबल जितनी भी ताजी सब्जियां बेची जाती हैं उनमें से लगभग सतर परसेंट जो विदेशी मुद्रा अर्जित होती है वो प्याज के एक्सपोर्ट से होती है फॉर सीड प्रोडक्शन टेम्परेचर इज मोर इम्पोर्टेंट देन डे लेंथ जब बीज का प्रोडक्शन करना होता है ठीक है याद रखना बीज का प्रोडक्शन करना होता है उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डे लेंथ की तुलना में मतलब जो दिन की अवधि होती है ना उसकी तुलना में तापमान ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जब बल्ब प्रोडक्शन करना होता है तब दिन की जो अवधि होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेम्परेचर की तुलना में तापमान की तुलना में मतलब सिर प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर ज़्यादा ज़रूरी है और बल्ब प्रोडक्शन के लिए जब जो अपना प्याज पैदा करने के लिए डे uh, लेंथ जो दिन की अवधि है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कल्टिवेट वैराइटीज हैव लार्जेस्ट एरिया जो भी कल्टिवेटेड वरायटियाँ जिनका ज़्यादातर क्षेत्र है जिनके अंदर वो है औरेंज और येलो और ज़्यादातर यही एक्सपोर्टेड होती हैं जहाँ डिहाइड्रेट की जाती हैं ज़्यादातर जो व्हाइट ऑरेंज की वराइटियाँ हैं वही डिहाइड्रेट की जाती हैं सुखाई जाती हैं इसलिए इनका ज़्यादा एरिया है मैलिक एसिड प्रजेंट इन ओनियन इसके अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है प्याज के अंदर ठीक है एरोमा इज ऑनियन इज ड्यू टू एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड जो प्याज की सुगंध होती है एरोमा होती है वो एलेल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है ओनियन इज़ ए लॉन्ग डे प्लांट जो प्याज है वो ये कह लो कि दीर्घ दीप्तिकालिक पौधा होता है मतलब उसको लंबे दिनों की अवधि की आवश्यकता होती है ठीक ओनियन इज हाइली क्रॉस पॉलीनेटेड ड्यू टू प्रोटैंड्री जो ऑनियन है या प्याज है ये ये कह लो कि बहुत ही ज्यादा पर प्रागित फसल है इसमें सेल्फिंग होने की संभावना बहुत ही कम रहती है क्योंकि ये प्रोटेंड्री कंडीशन होती है इसमें जो एंड्रोसियम होता है वो पहले मैच्योर होता है ठीक यानी कि मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है बाद में फीमेल मैच्योर होता है इसलिए इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है मेल स्टर्लिटी ऑनियन के अंदर जा प्याज के अंदर मेल स्टर्लिटी भी पाई जाती है ठीक है यानी कि इसमें मेल होता है वो वाइवल नहीं होता ठीक है इट कंटेंस एक्स पॉइंट एट ग्राम मॉइस्चर वन पॉइंट टू ग्राम प्रोटीन इलेवन पॉइंट जीरो ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीग्राम राइबोफ्लेविन, जीरो पॉइंट जीरो एट मिलीग्राम थियामीन एंड इलेवन मिलीग्राम विटामिन सी पर हंड्रेड ग्राम एडिबल पोर्शन याद रखना जो प्याज है ये विटामिन बी का रिचेस्ट सोर्स होता है मतलब अच्छा इसके अंदर मात्रा में प्याज के अंदर विटामिन बी पाया जाता है ठीक है जैसे राइबोफ्लेविन है थियामिन है अच्छी मात्रा में पाया जाता है इनफ्लोरेंसेंस टाइप अम्बेलेट इसका जो इन्फ्लोरेसेंस टाइप होता है मतलब पुष्प क्रम का प्रकार होता है ठीक है जो पुष्प निकलते हैं इसके वो अम्बेलेट प्रकार के होते हैं जैसे सौंफ के अंदर देखते हो सेम टी एस एस ऑफ ओनियन इज मैक्सिमम वराइटीज ट्वेल्व टू एटीन परसेंट जो इसकी ज़्यादातर किस्में हैं उनमें टी एस एस कह लो टोटल सोलबल सॉलिड्स वो लगभग बारह से अठारह के बीच में रहता है ठीक है जो अच्छी किस्में होती हैं जिनके अंदर ये कह लो कि जिनको डिहाइड्रेशन के लिए यूज किया जाता है उनके अंदर पंद्रह से बीस परसेंट होना चाहिए टी एस एस तो ही उनको यूज किया जाता है रेस्पायरेशन रेट ऑफ ओनियन इज़ वेरी लो जो श्वसन दर होती है प्याज की बहुत ही कम होती है श्वसन दर समझे गए होंगे जिसके कारण इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है मैंने पहले ही बताया था जिन फसलों को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है उनकी श्वसन दर कम होती है जैसे पोटैटो है ठीक है कैबेज है और कुछ ऐसी हैं जो पत्ते वाली सब्जियां हैं जो फूल वाली हैं उनकी श्वसन दर उतनी कम होती है ठीक एंथेसिस टाइम फाइव टू नाइन ए एम जो इसका पुष्पन का समय होता है एंथेसिस टाइम होता है मतलब जब इसका पुष्प ओपन होता है फर्स्ट टाइम तो पाँच से नौ बजे के बीच में होता है जब इसमें पोलिनेशन का टाइम होता है मतलब इस टाइम पोलिनेशन हो सकता है इसमें ग्रीन टू ड्राई रेशियो या डिहाइड्रेशन रेशियो यानी कि जो सूखा गीला प्याज है उससे उसका सूखा प्याज तो वन टेन अनुपात वन होता है ठीक है दस किलो गीला है तो एक किलो सूखा फ्लोवर कलर वाइट टू ब्लूइश इसका जो फूलों का कलर होता है प्याज के अंदर वाइट से लेके ब्लूइश कलर का होता है पोलिनेटिंग एजेंट्स हनी बीज होती हैं मतलब इसका जो पोलिनेशन क्योंकि यह पर पर है तो पोलिनेशन इसमें ज्यादातर हनी बीज जो मधुमक्खियां होती हैं उनसे होता है ट्री ऑनियन मतलब एक इसके अंदर कुछ वराइटीज़ कह लो जहाँ स्पीसीज हैं ट्री ओनियन जहाँ इगिप्टन ओनियन के नाम से जानी जाती है एलियम सेपा वराइटी बीबी पेरम ठीक है ट्री ओनियन की जो नीचे वाली जो सेकंड पिक्चर है ना ये ट्री ओनियन की है इसमें क्या होता है कि जैसे गार्लिक के अंदर जो लहसुन के अंदर आपने देखा होगा कि ऊपर जाके एक और कली बन जाती है कई बार गुच्छा सा बनना स्टार्ट हो जाता है सेम कंडीशन इसके अंदर होती है मैं अभी आगे वाली पिक्चर और होगी वो ज़्यादा क्लियर करेगी ठीक है तो ये सेकंड वाली जो पिक्चर है ये एलियम ओनियन ट्री ओनियन की है मतलब इसमें फिर आगे जाके फिर शाखाएं निकलने लग जाती हैं वीवी पेयर हम इसलिए बोल देते हैं कि वहाँ पे जो जो वीवी वी पेरी कंडीशन होती है सेम वैसी ही कंडीशन इसमें हो जाती है कि ऊपर जाके जो कलियाँ जहाँ ऊपर छोट छोटी छोटी बल्ब्स बनते हैं वो आगे जाके जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाती हैं जैसे कोई शाखाएँ निकली हों पेड़ के अंदर सेम प्रोसेस ठीक है तो फिर आगे है पोटैटो ओनियन या मल्टीप्लायर ओनियन एवरी डे ओनियन इसको शैलोट भी बोल देते हैं ये है एलियम वरायटी एलियन सेपा वराइटी एग्रेगेटम एग्रेगेटम मतलब एक गुच्छा और ये जैसे कई प्याज की किस्में तुमने देखी होंगी कि एक गुच्छे के अंदर पाँच छः प्याज उग आते हैं मतलब एक प्याज लगाया और साथ में जैसे आलू बढ़ते हैं ना एक आलू लगाया और बहुत सारे आलू हो गए तो वैसे ही ये क्या होते हैं कि एक साथ कई प्याज उग आते हैं जैसे एक प्याज लगाया उसके साथ जुड़े हुए प्याज उगते हैं जैसे ये गुच्छे में उगते हैं एक प्याज लगाने पे भी आगे वाली पिक्चर में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जैसे ये है मल्टीप्लायर मतलब एक प्याज लगाया था और इतने सारे प्याज इकट्ठे हो गया कंडीशन मतलब ऊपर कलिया होगी ठीक है और ऊपर जाके फिर से ये मतलब पहले तो एक ही प्याज है नीचे से फिर ऊपर जाके कलिया होगी और ये ऊपर चला गया ऊपर फिर से वो ज, ये कह लो कि स्प्राउटिंग स्टार्ट होगी उनकी और वो शाखाओं जैसा दिखने लग गई इसलिए उनको ट्री यूनियन कहते हैं नेक्स्ट है एरिया एंड प्रोडक्शन जो लेटेस्ट डाटा है एन का 2018 का उसके अनुसार महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट है प्रोडक्शन के अंदर भी और एरिया के अंदर भी इसके अंदर जो एरिया है फाइव हंड्रेड थाउजेंड हेक्टर और इसका जो प्रोडक्शन है 8,800 54.09000 मैट्रिक टन दूसरे नंबर पे जो क्षेत्र के अंदर स्टेट uh, आती है उस कर्नाटक है 195.28000 हंड्रेड नाइन्टी हेक्टर ये क्षेत्रफल है और तीसरे नंबर पे आती है ये प्रोडक्शन के अंदर मध्य प्रदेश दूसरे पे है ठीक है तो इसके अंदर जो प्रोडक्शन uh, होता है 2986.59000 मैट्रिक टन फिर तीसरे नंबर पे जो क्षेत्रवाइज है मध्य प्रदेश 150.87000 हेक्टर और प्रोडक्शन इसका तीसरे नंबर पे है 3701.01 मैट्रिक टन हंड्रेड मैट्रिक टन ठीक है उसके बाद जो अगर कुछ और भी है जैसे राजस्थान के अंदर भी तीसरे चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रवाइज फिर बिहार है फिर आंध्र प्रदेश है उसके बाद इसका जो टोटल है प्याज का प्रोडक्श क्षेत्रफल वो है वन टू एट फोर पॉइंट नाइन नाइन थाउजेंड हेक्टर जो इंडिया के अंदर है ठीक है बारह सौ चौरासी पॉइंट नौ नौ और इसका जो प्रोडक्शन है वो है टू थ्री टू सिक्स टू पॉइंट थ्री थ्री थाउजेंड मैट्रिक टन प्रोडक्शन इसका ठीक नेक्स्ट है वाइटीज़ इसकी जो इंट्रोडक्शन से वराइटीज़ निकली हुई हैं जैसे अर्ली ग्रहनो है ये येलो कलर्ड वैरायटी है और इसको यूज ग्रीन जो प्याज होता है हरे प्याज के रूप में भी यूज़ किया जाता है ब्राउन स्पेनिश येलो कलर्ड वैरायटी है इसके अलावा बरमुडा येलो ठीक है ये इसकी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है फिर नेक्स्ट है इसके अंदर सेलेक्शन से पूसा वाइट राउंड ये यूज एज ग्रीन ऑनियन इसको भी ग्रीन सेलेड के लिए यूज़ किया जा सकता है ग्रीन ऑनियन के रूप में पूसा रेड इससे मेल स्ट्रेलाइन जो स्ट्राइल लाइन है उसको आइसोलेट किया गया है इसके अलावा पूसा रतनार है अर्का निकेतन है अर्का प्रगति है ये भी खरीफ और रवि सीजन दोनों के लिए सुटेबल किस्म है प्रगति ठीक है नासिक रेड है इस ये पर्पल ब्लाउज रेजिस्टेंट वैरायटी है मतलब इसकी पर्पल जो डिजीज़ है उससे रेजिस्टेंट वैरायटी है इसके अलावा पटना रेड है पूसा वाइट फ्लैट सुटेबल फॉर डिहाइड्रेशन मतलब ये एक वाइट कलर की किस्म है और डिहाइड्रेशन के लिए सुटेबल है और इसकी यूज एस ग्रीन ओनियन और ग्रीन ओनियन के लिए भी सूटेबल uh, किस्म है इसके अलावा एन फिफ्टी थ्री सुटेबल फॉर खरीफ सीजन मतलब खरीफ फसल के लिए उत्तम अर्का कल्याण सुटेबल फॉर खरीफ सीजन खरीफ सीजन के लिए ये भी और पर्पल ब्लॉच रेजिस्टेंट वैरायटी है इसके अलावा अर्का बिंदु एक्सपोर्टेड वरायटी मतलब जिसका एक्सपोर्ट निर्यात किया जाता है ऐसी किस्म है और स्मॉल साइज़ के इसके बल्ब होते हैं इसके अलावा एग्रीफाउंड डार्क रेड है बेंगलोर रोज़ है इसके भी स्मॉल साइज़ के फ्रूट होते हैं बल्ब होते हैं इसके बाद हाइब्रिड किस्में हैं अरका पिताबर अरका कीर्तिमान अरका लालिमा इसके अलावा मल्टीप्लायर वैराइटीज मल्टीप्लायर समझी गए होंगे जो एक गुच्छे में उगती हैं किस्में मैंने पहले बताया था जो उसकी एग्रीगेट जिसके अंदर थी वैरायटी एग्रीगेट एलियम सेपा वैरायटी एग्रीगेट उसकी किस्में हैं एग्रीफाउंड रेड सी ओ थ्री सी ओ फोर ठीक है और वाइट कलर्ड वैरायटी अगर कभी पूछी जाए तो इसमें से एग्रीफाउंड लाइट रेड वाइट कलर की है कल्याणपुर रेड राउंड ये भी वाइट कलर की है उदयपुर एक उदयपुर एक हिसार टू एन टू फाइव सेवन डैश नाइन डैश वन एस फोटी एट ये वाइट कलर की जहाँ सफ़ेद रंग की किस्म है जिनके अंदर सफ़ेद रहते हैं ट्यूब अ, बल्ब ठीक है अदर वैराइटीज़ इसकी और कुछ और भी वरायटी हैं जैसे पूसा माधवी भी है एग्रीफाउंड रोज़ ये एक्सपोर्टेड वराइटी है स्मॉल साइज की और पिकलिंग टाइप भी है प्याज सॉरी अचार बनाने के लिए भी कई बार इस किस्म को यूज किया जाता है पंजाब सेलेक्शन है इसके अलावा एन टू फोर वन लाइन 102 है बसंत 780 है सी ओ टू सी ओ वन एम डी यू वन बी एल थ्री ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंट किस्में हैं करेक्टरस्टिक्स ऑफ सुटेबल वराइटीज़ फॉर डिहाइड्रेशन जो इसकी डिहाइड्रेशन या सुखाने के लिए जिन किस्मों का यूज़ किया जाता है उनके क्या विशेष गुण होते हैं तो पहला है हाईली प्रेजेंट पजेंसी इन वैरायटी मतलब हाई पजेंसी इन वैरायटी मतलब जो वैरायटी है किस्में उनमें जो कड़वाहट होती है चरपराहट होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए दूसरा वाइट कलर्ड वैरायटीज विद वाइट फ्लैश विच डू नॉट डिसकलर्स एट डिहाइड्रेशन मतलब वाइट कलर की किस्म होनी चाहिए और जो उसकी फ्लैश है वो भी वाइट होनी चाहिए मतलब उसका अंदर से जो फल बल्ब होता है वो अंदर से छिलके होते हैं यानी कि अंदर वाले फोल्डिंग्स uh, होती हैं वो भी वाइट कलर की होनी चाहिए जो कि सूखाने पे डिसकलरेशन ना दे सूखने के बाद भी वो जैसे सूखते हैं प्याज, उसको सुखाया जाता है तो उससे कोई अलग से कलर शो ना हो एकदम वाइट पाउडर ही तैयार हो उसके बाद आए हाई टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स उसका जो सोल्यूबल सॉलिड्स होता है कुल विलय विलायक वो पंद्रह से बीस परसेंट के आसपास होना चाहिए ठीक है मॉइस्चर शुड बी अराउंड एटी परसेंट और उसमें जो वराइटियों के अंदर नमी प्रतिशत है वो लगभग अस्सी प्रतिशत के आसपास होनी चाहिए हाई इनसॉलिबल सॉलिड कंटेंट जो उसके अंदर एगुलनशील पदार्थ होते हैं वो भी एक परसेंट से कम नहीं होने चाहिए एक परसेंट से ज़्यादा होने चाहिए वराइटीज़ हैव लो रिड्यूसिंग टू नॉन रिड्यूसिंग शुगर रेशियो ठीक है लो रिड्यूसिंग टू नॉन रिड्यूसिंग रेशियो जो इनके अंदर अनुपात होता है वो कम होना चाहिए राउंड शेप ऑफ बल्ब विद थिन थिक नेक एंड स्मॉल रूप जॉन किसमें जो है वो गोल होनी चाहिए छोटे उनके फल जो बल्ब है वो छोटे होने चाहिए ठीक है कंध छोटे होने चाहिए और जो नेक है नेक से मतलब जहाँ से उसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है अनियन के अंदर तो वो नेक बिल्कुल पतले होने चाहिए कसे हुए होने चाहिए और उसका जो रूट जोन होता है जहाँ से मतलब नीचे की साइड डिस्क लगी रहती है जहाँ तना होता है वहाँ से जो उसके जड़ें निकलती हैं वो छोटी होनी चाहिए ठीक है वराइटीज़ विच आर रेजिस्टेंट टू डिजीज पेस्ट बोथ इन फील्ड एंड इन स्टोरेज और ऐसी किस्में जिनके अंदर कम से कम बीमारियाँ लगती हों कम से कम कीट पतंगे लगते हों फील्ड के अंदर भी और भंडारण के अंदर भी खेत के अंदर भी उसमें कम बीमारियाँ लगती हों और जो जब उसको स्टोर किया जाता है तब भी उसके अंदर कम नुकसान हो फिर है क्लाइमेट ऑनियन रिक्वायर माइल्ड क्लाइमेट विदाउट एक्सट्रीम हीट और कोल्ड एंड विदाउट एक्सेसिव रेनफॉल जो प्याज है इसे माइल्ड क्लाइमेट मतलब एक मध्यम से तापमान की आवश्यकता होती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा बरसात ऐसा मौसम होना चाहिए इसके लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है बल्ब फॉर्मेशन के लिए लगभग तेरह से तेईस डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए वैसे तो ऑनियन एक हार्डी क्रॉप है हार्डी मतलब ये कठोर होती है ये कह लो कि ये पाला जो होता है उसको कुछ हद तक सहन कर सकती है जब ये अर्ली स्टेज होती है पौधे की मतलब जब ये छोटा होता है तब ये सहन कर लेता है और अगर एकदम से तापमान के अंदर उत, बढ़ाव हो जाता है मतलब बढ़ जाता है तापमान ज़्यादा हो जाता है तो इसके अंदर अर्ली मैच्योरिटी हो जाती है जैसे मतलब कि प्याज लगा हुआ है शुरुआत के अंदर तो प्याज के अंदर लास्ट में जाते जाते कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो जो उसकी मैच्योरिटी होती है प्याज मतलब जल्दी मैच्योर हो जाता है मतलब सूख जाती है ऊपर से उसकी पत्तियाँ मैच्योर हो जाता है और एक और उसके साथ में जो बल्ब का साइज़ होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है कम हो जाता है मतलब छोटा रह जाता है बल्ब क्योंकि जल्दी जल्दी मैच्योर हुई अभी उसको और टाइम चाहिए था कि उसका बल्ब और ज़्यादा बड़ा होता और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वहीं पे उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई और उसका जो पकने वाली कंडीशन है वो स्टार्ट हो गई वो पक गया ठीक सोयल्स ओनियन कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सोयल सच एज लाइट सैंडी लोम टू हैवी स्प्ले जो प्याज है इसको हर प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है जो ब्लूई दोमट है उसमें भी और भारी जो क्ले मिट्टी होती है उसके अंदर भी इसकी कल्टिवेशन की जा सकती है पर जो हैवी मिट्टी है वहाँ पे बल्ब का डेवलपमेंट स्लो होता है इसलिए जब यहाँ जब भारी मिट्टी के अंदर इसको उगाया जाता है तो उसके बल्ब का डेवलपमेंट स्लो होने के कारण ये फसल लेट मैच्योर होती है मतलब टाइम लेती है ज़्यादा टाइम बाद मैच्योर होगी ठीक है जबकि जो सोयल लाइट सोयल है उसमें जे जल्दी मैच्योर हो जाती है फसल जल्दी मतलब बल्ब का डेवलपमेंट होता है अच्छा डेवलपमेंट होता है सोयल शुड बी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर हैविंग गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डीप एंड फर्टाइल जो मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए और उसकी जो जल धारण क्षमता है वो भी अच्छी होनी चाहिए इसके अलावा वो डीप और फर्टाइल होनी चाहिए मतलब वो गहरी होनी चाहिए और उपजाऊ होनी चाहिए सोयल पी एच रेंजिंग शुड बी बिटवीन फाइव पॉइंट एट टू एट जो सोयल का पी एच है ठीक है वो लगभग पाँच पॉइंट आठ से आठ के बीच में होना चाहिए और ओनियन सेंसिटिव टू हाईली एसिटिक एंड एल्केलाइन सोयल जो एसिटिक सोयल अम्लिया मिट्टी है जहाँ क्षारीय मिट्टी है उस बहुत ज़्यादा क्षारीय मिट्टी है तो उससे यह प्याज सेंसिटिव होता है संवेदनशील होता है मतलब उसमें उगाया नहीं जा सकता सोइंग टाइम रबी क्रॉप जो मेन फसल है उसे सीड शोविंग सो, सितंबर के अंदर करते हैं और ट्रांसप्लांटिंग उसकी मतलब रोपण अक्टूबर के अंदर किया जाता है खरीफ सीजन के अंदर ज़्यादातर बल्ब की भी कल्टीवेशन की क्या कहते हैं कि, जो छोटे बल्ब होते हैं पिछले साल के उनको भी उगाया जाता है खरीफ सीजन के अंदर ज्यादातर उगाया जाता है ठीक है तो इसमें बीज से भी तैयार की जाती है तो सीड सोविंग इसके अंदर मई जून के अंदर करते हैं गर्मी के अंदर और ट्रांसप्लांटिंग जून से जुलाई के अंदर की जाती है प्लांटिंग मेथड प्याज के अंदर ज़्यादातर दो प्लांटिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं ठीक है प्लांटिंग मैथड होता है कि कौन सी चीज़ को उगाया जा रहा है कि वो बीज से उगाया जा रहा है या वो छोटे बल्ब जो है उनसे उगाया जा रहा है तो ट्रांसप्लांटिंग मेथड जहाँ पहले अपने नर्सरी राइज करेंगे बीज को उगा के और दूसरा मेथड होगा जहाँ पे बल्ब को रोपन करेंगे अपने सीधा का सीधा ठीक है पहला है ट्रांसप्लांटिंग मेथड इसके लिए क्या करते हैं कि एक नर्सरी राइज की जाती है जिसमें इसमें बीजों की जो आवश्यकता होती है लगभग दस से बारह किलो बीज रवि सीज़न के लिए ज़रूरत होती है मतलब रवि सीज़न की अगर अपने को पौध तैयार करनी है तो एक हेक्टर के लिए दस से बारह किलो बीज और अगर खरीफ सीज़न के अंदर करनी है तो बारह से पंद्रह किलो थोड़ा सा ज़्यादा सीड रेट क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है उस टाइम तो पौध ज़्यादा लगानी पड़ती है कई बार जल जाती है तो सीड बेड्स जो बनाई जाती है लगभग एक पॉइंट दो मीटर वाइड मतलब एक पॉइंट दो मीटर चौड़ी सात मीटर लगभग लंबी और दस से सात से दस सेंटीमीटर उठी हुई क्यारी बनाई जाती है और ये क्यारी एक नहीं कई क्यारियाँ बनाई जाती हैं इसी साइज़ की इसके लिए ठीक है ग्राउंड लेवल से जा उठी हुई और उसके बाद जो बीज बोया जाता है उससे पहले बीजों को थायरन या कैप्टन दो से तीन ग्राम बीजों के हिसाब से उसको उपचारित किया जाता है पर केजी बीज के हिसाब से उसको उपचारित करते हैं उसके बाद बीजों को लाइन के अंदर या फिर ब्रॉडकास्टिंग की जाती है मतलब उसका छिड़काव कर देते हैं क्यारी के अंदर और हल्की लेयर जो एफ वाई एम की या कंपोस्ट की उसके ऊपर क्यारी के ऊपर बेड के ऊपर डाल देते हैं जिससे कि बीज डका जाए उसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं ठीक है और लगभग छह से आठ वीक बाद जो पौध होती है वो तैयार हो जाती है मेन फील्ड में लगाने के लिए या फिर वो पंद्रह सेंटीमीटर की जब हो जाती है तो मेन फील्ड में लगाने लायक हो जाती है ठीक इसके अलावा जो प्लांटिंग की जाती है इसके अंदर ठीक है रोपन ट्रांसप्लांटिंग मेथड के अंदर इसके अंदर लगभग मेन फ्लैट बेड बना ली जाती है ठीक है वैसे तो अलग अलग मेथड है बहुत से क्षेत्रों के अंदर क्या करते हैं दो रो लगाई एक साथ फिर उसके अंदर ज़्यादा गैप दे दिया फिर दो रो लगाई मतलब दो रो के अंदर तो गैप लगभग सात सेंटीमीटर का दिया फिर पंद्रह सेंटीमीटर का गैप दे फिर दो रो लगा दी सात सेंटीमीटर की मतलब एक रो लगाई ठीक है फिर फिर दो रो लगा दी बीच में पंद्रह सेंटीमीटर का गैप मतलब जो बीच में कम गैप है जहाँ पे वहाँ पे सात सेंटीमीटर का और ज़्यादा दे रहे हैं वहाँ पे पंद्रह सेंटीमीटर का गैप देके लगाते हैं और कई जगहों पे क्या किया जाता है कि एक जैसा ही गैप दिया जाता है तो लगभग पौधे से पौधे की दूरी तो रखी जाती है आठ से दस सेंटीमीटर की एक लाइन के अंदर और लाइन से लाइन की दूरी लगभग पंद्रह सेंटीमीटर रखी जाती है ठीक है और जैसे ही प्लांटिंग कर देते हैं फील्ड के अंदर उसके बाद सिंचाई की जाती है मतलब उसमें हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए सेकेंड मैथड है प्लांटिंग ऑफ बल्ब मैथड मतलब जो पुराने बल्ब हैं उनको उगाया जाता है इसमें इस मेथड इज यूज टू गेट ग्रीन ऑनियन फॉर सेलेड एंड सुटेबल फॉर खरीफ सीजन प्लांटिंग जो ये विधि है ज्यादातर जो ग्रीन ऑनियन अर्ली ऑनियन आने लग जाता है ना प्याज मार्केट में ग्रीन तो उसके लिए ज्यादातर ये ज्यादा सुटेबल है और जो वही खरीफ सीजन के अंदर तो वर्ल्व आर यूज फॉर प्लांटिंग द क्रॉप दे आर आ, दे हैव डिबल फिफ्टीन सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द साइड ऑफ फोर्टी फाइव सेंटीमीटर वाइड रिजेज और, और इन ए फ्लैट्स जो इसके अंदर प्लांटिंग की जाती है लगभग पंद्रह सेंटीमीटर की दूरी पे पौधे से पौधे की दूरी मान लो कि मतलब एक प्याज जो छोटा प्याज है उसको दूसरे प्याज की दूरी दोनों के बीच में लगभग पंद्रह सेंटीमीटर की रखी जाती है और जो मेड बनाए जाते हैं तो ठीक है, लगभग पैंतालीस सेंटीमीटर चौड़े उनके ऊपर उनकी साइड में लगाए जाते हैं प्याजों को पंद्रह पंद्रह सेंटीमीटर की दूरी पे और जहां फिर इनको भी फ्लैट बेड जो समतल क्यारी होती है उसके अंदर लगाए जाते हैं फोर वन हेक्टर ऑफ प्लांटिंग अबाउट ट्वेल्व टू टेन टू ट्वेल्व क्विंटल ऑफ स्मॉल टू मीडियम साइज बल्ब आर इज रिक्वायर्ड लगभग 10 से 12 क्विंटल प्याज की आवश्यकता होती है अगर अपने एक हेक्टर की अंदर अपने को प्लांटिंग करनी है तो 10 से 12 क्विंटल याद रखना ठीक है ये है अगर प्याज से अपने उसको उगाना है तो फॉर प्लांटिंग मटेरियल बल्ब प्रीवियस ईयर हार्वेस्टेड क्रॉप स्मॉल साइज बल्ब आर यूटिलाइज मतलब अगर अपने को इस बल्ब से प्लांटिंग करनी है तो पिछले साल के जो छोटे बल्ब रह जाते हैं क्योंकि सारे तो एक जैसे साइज़ के नहीं रहते उनकी ग्रेडिंग कर ली जाती है जब छोटे रहते हैं उनको वापस से अगले साल बुआई करने के लिए अर्ली बुआई करने के लिए यूज़ कर लिया जाता है खरीफ सीजन के अंदर इसके अलावा जून के अंदर आ, क्या कहते हैं कि पोत सॉरी जून के अंदर भी जो प्लांटिंग की जाती है उसके जो छोटे बल्ब होते हैं उनको भी अक्टूबर प्लांटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है जून के अंदर खरीफ की फसल जो उगाई जाती है उसके जो छोटे प्याज रह जाते हैं उनको भी अक्टूबर की प्लांटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है आफ्टर ट्वेल्व टू थर्टीन डेज ऑफ प्लांटिंग द बल्ब इरीगेट द क्रॉप मतलब लगभग बारह से तेरह दिन बाद जैसे ही प्लांटिंग करती उसी टाइम सिंचाई नहीं करते थोड़े दिन छोड़ने के बाद इसमें सिंचाई करते हैं लगभग दस बारह से तेरह दिन बाद जमीन में पड़े रहते हैं ठीक है उसके विग साइज़ बल्ब आर नॉट यूज फॉर प्लांटिंग विज दे प्रोड्यूस फ्लोवर स्टाक अर्लियर मतलब उनमें बोल्टिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है उनमें फ्लोवर स्टाक निकले आता है जल्दी निकले आता है अगर अपने बड़े साइज के प्याज का यूज किया जाए बुआई करने के लिए ठीक है तो इसलिए स्मॉल और मीडियम साइज बल्ब का ही यूज़ किया जाता है प्लांटिंग बल्ब मेथड के अंदर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर जनरली 20 टू 25 फाइव टन पर हेक्टर एफ शुड बी एडेड थर्टी डेज बिफोर सोइंग खेत के अंदर बीस से पच्चीस टन गोबर की खाद तीस दिन पहले बुआई के डाली जाती है जो प्याज है पोटाश का और नाइट्रोजन का अच्छा फीडर होता है अच्छी इसको ज़रूरत होती है ठीक है इसके साथ में सल्फर Uh, जो है वो भी ज़रूरत होती है क्योंकि प्याज को इन जनरल इट रिक्वायर अबाउट 120 ट्वेंटी के जी नाइट्रोजन फिफ्टी के जी पोटाश वन सिक्सटी के जी सॉरी वन फिफ्टी के जी फॉस्फोरस वन सिक्सटी के जी पोटाश फिफ्टीन के जी एम जी ओ मैगनीशियम ऑक्साइड ठीक है एंड ट्वेंटी के जी सल्फर जो प्याज की आवश्यकता है लगभग एक सौ बीस किलो नाइट्रोजन पर हैक्टर पचास किलो पर हेक्टर फास्फोरस एक सौ साठ किलो पर हेक्टर पोटाश पंद्रह किलो पर हेक्टर मैग्नीशियम ऑक्साइड और बीस किलो पर हेक्टर सल्फर डाला जाता है एक जर्नल ठीक है नहीं तो वैसे क्षेत्र वाइज अलग अलग होती है जो भी लोकेलिटी है जहाँ वैरायटी है उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है ए फुल डोज ऑफ पी एंड के शुड बी अप्लाइड एट लास्ट प्लोइंग जो फास्फोरस और पोटाश की फुल मात्रा है उसको लास्ट प्लोइंग के समय खेत में मिला दी जाती है और नाइट्रोजन को दो स्प्लिट के अंदर दिया जाता है मतलब दो भागों के अंदर बांटा जाता है पहला जो भाग है तीन से चार वीक बाद प्लांटिंग के जैसे ही प्लांटिंग कर दी उसके तीन से चार वीक बाद खेत में डाला जाता है और सेकंड जो डोज है वो दो महीने बाद खेत के अंदर प्लांटिंग के दो महीने बाद खेत में डाली जाती है ठीक है इरिगेशन ख्रीप क्रॉप रिक्वायर एट टू टेन इरिगेशन जो खरीफ मौसम की होती है फसल उसको आठ से दस सिंचाइयों की आवश्यकता होती है उस टाइम मानसून सक्रिय होता है इसलिए कम सिंचाई की आवश्यकता होती है वेयर एज लीट लेट और खरीफ क्रॉप रिक्वायर ट्वेल्व टू फिफ्टीन इरीगेशन फॉर प्रॉपर बल्ब डेवलपमेंट और जो पिछेती खरीफ की फसल होती है वहाँ बारह से पंद्रह सिंचाइयों की आवश्यकता होती है और रवि सीजन के अंदर लगभग पंद्रह से बीस सिंचाई की आवश्यकता होती है ठीक है फस को लगभग दस दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए और जब बल्ब डेवलपमेंट हो, हो रहा होता है उस स्टेज के ऊपर जब बल्ब का विकास हो रहा होता है उस लगभग दो महीने बाद ठीक है तो उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए फील्ड में ठीक है जिसके जमीन थोड़ी गीली रहेगी तो बल्ब का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होगा वीट कंट्रोल ऑनियन शैलो रूटेड क्रॉपेंट शैलो कल्टिवेशन शुड बी गिवन टू सोयल टू किल द weeds एंड लूजन द सोयल अराउंड द प्लांट्स वैसे तो प्याज एक शैलो रूटेड यानी कि उथली जड़ वाली फसल है ठीक है तो इसमें हल्की निराई गुडाई की जाती है और जिससे कि पौधे की जो जड़ें हैं शुरुआत के अंदर तो उनको बढ़ने के लिए जगह मिल सके उसकी जो मिट्टी आसपास की वो ढीली हो जाए इसलिए उसके आसपास कंद के आसपास हल्की निराई गुड़ाई करते हैं ठीक है और इसमें जनरली दो से तीन निराई गुडाई जो पौधे के दो महीने होते हैं शुरुआती महीने तब की जाती है दो से तीन बार शुरुआत के अंदर ठीक है और उसके बाद दो मंथ के बाद इसके अंदर ज़्यादा क्या कहते हैं कि गुडाई नहीं करते क्योंकि उस टाइम उसके जो ट्यूब बल्ब होता है बल्ब का निर्माण हो रहा होता है विकास हो रहा होता है तो उसके अंदर हाथ से अगर कोई खरपतवार है तो उसको हाथ से ही निकाला जाता है ठीक है खुरपी और इनका यूज कम से कम किया जाता है हार्वेस्टिंग ओनियन शुड बी हार्वेस्टेड वैन लीव टर्न येलो एंड ड्राई जो ऑनियन है प्याज है उसकी हार्वेस्टिंग तब की जाती है जब पूरे के पूरे फील्ड के पत्तियाँ ज़्यादातर या फिफ्टी परसेंट कह लो कि पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं या जा सूख जाती हैं तो उस समय उसकी खुदाई की जाती है उसके प्याज को निकाल लिया जाता है ज़मीन से प्याज निकालने के लिए जहाँ तो फावड़ा है अगर बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसमें मशीनरी यूज़ की जाती है ठीक है या फिर खुरपी से निकाला जाता है अगर बहुत ही छोटी बेड है तो और इसमें जनरली तीन से पाँच महीने लग जाते हैं प्याज को डेवलप होने के लिए मतलब उसकी खुदाई प्लांटिंग के तीन से पाँच महीने के अंदर की जाती है अलग अलग किस्म के हिसाब से है। और सीजन के हिसाब से इसमें टाइमिंग रहती है मतलब तीन से पाँच महीने तो इसमें जब खुदाई कर ली जाती है उसके बाद जो बल्ब होते हैं उनको हल्का झाड़ लिया जाता है जिससे उसकी मिट्टी अलग हो जाए उसके बाद इन्हें लगभग तीन से चार दिनों तक क्यूरिंग करते हैं अब याद रखना कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं क्यूरिंग क्या है क्यूरिंग क्या होती है किसी चीज़ को सुखाना प्याज के अंदर क्यूरिंग करते हैं पहले उसके जो ऊपर वाले छिलके होते हैं ना वो हार्ड नहीं हुए होते जिसके कारण क्या होता है कि अगर उसको वैसा ही भंडारित कर लिया जाए जहाँ उसको कट्टों में डाल दिया जाए ठीक है तो उससे क्या होगा कि वो प्याज गलना स्टार्ट हो जाएगा और डैमेज भी ज़्यादा होगा ट्रांसपोर्ट के टाइम तो इसलिए उसकी क्यूरिंग करते हैं उसको थोड़े टाइम के लिए सुखाने के लिए रख दिया जाता है छाया के अंदर रखते हैं धूप के अंदर नहीं रखते ठीक है छाया के अंदर रख दिया जाता है जिससे कि ऊपर वाला जो शिल्का होता है वो कड़क हो जाए उसका ठीक है पतला भी हो जाए और कड़क हो जाए जिससे कि उसमें से कम से कम पानी का लॉस हो और वो जो भी छोटे मोटे आघात हैं उनसे बच जाए उसमें नमी परसेंट भी थोड़ा कम हो जाता है अगर उसकी क्यूरिंग करते हैं तो और उसी टाइम अगर हार्वेस्ट किया और उसको कट्टों में डाल दिया तो उसमें जो रोटेन जो होता है गलना स्टार्ट हो जाता है प्याज तो इसीलिए अपने घर पे भी कभी देखना कट्टा खरीदा हो तो उसको पहले फैला देते हैं निकाल के क्योंकि पता है कि प्याज अभी खोद के ऐसे 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 भर के लाए होंगे तो थोड़ी हवा लग जाएगी तो वो सूख जाएगा और ख़राब नहीं होगा ठीक है उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर के अंदर ही जो कमरे होते हैं उनके अंदर इसको स्टोर कर लिया जाता है क्यूरिंग करने के बाद क्यूरिंग का मतलब उसको सुखाना क्यूरिंग आपको इसके अंदर भी आई है गार्लिक जो लहसुन है उसमें भी मिलेगी क्यूरिंग आपको जो टर्मरिक है उसके अंदर भी मिलेगी क्यूरिंग आपको जो जिंजर है उसके अंदर भी मिलेगी यही क्यूरिंग तो क्यूरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सुखाना ईल्ड है द ईल्ड रेंजिंग बिटवीन 250 फिफ्टी टू थ्री क्विंटल पर हेक्टर डिपेंडिंग अपॉन द वराइटी सोयल एंड फर्टिलाइज अप्लाइड फर्टिलाइजर्स जो इसकी उपज है लगभग 250 से 300 सौ क्विंटल पर हेक्टर तक मिल जाती है वैसे वो किस्म के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी किस्म है जहाँ ये वैरायटी के जो सॉरी सोयल के ऊपर डिपेंड करता है कि भारी है जहाँ हल्की है या जो आपने फर्टिलाइजर डोज डाली है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी उपज रहेगी इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट तो सबसे पहले इंसेक्ट है इसका थ्रिप्स इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है इस फसल का ऑनियन का इसमें ये जेलोइ स्मॉल इंसेक्ट सक द सेक्ट फ्रॉम द लीव्स एंड सिल्वर कलर्ड स्ट्रिप्स और ब्राउन स्पोर्ट्स आर सीन ऑन द लीव्स इसमें पत्तियों के ऊपर सिल्वर कलर की स्ट्रिप्स दारियाँ दिखाई देने लग जाती हैं या जा फिर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और ये छोटे छोटे इंसेक्ट जहाँ पे आ, स्टेम या तने या कह लो कि जो पत्तियाँ निकलती हैं ना बिल्कुल जिस जगह से जोड़ होता है जहाँ पे तीन चार पत्तियाँ कट्ठी सी रहती हैं प्याज की बिल्कुल वहाँ पे अंदर से अंदर की साइड होती हैं इंसेक्ट बैठे हुए अगर देखे जाए तो ये छोट छोटे छोटे ठीक है तो इसका कंट्रोल है स्प्रे विद जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट मोनोक्रोटोफोस या फिर मिथाइल डेमेटोन या फिर नीम कर्नल ऑयल का स्प्रे करना चाहिए ठीक है मोनोक्रोटोफोस या मिथाइल डेमेटोन या नीम कर्नल ऑयल का इसके बाद ओनियन फ्लाई स्माल ग्रे फ सच एज हाउस फ ले एंड एग्स इन दोइल अराउंड द प्लांट जो पौधे के आसपास की मिट्टी है ठीक है वहाँ पे जो ये अडल्ट होते हैं इसके मक्खी होती है वहाँ पे ये अंडे दे देती है उसके बाद जो इसका अटैक शो होता है उसमें क्या होता है कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं नीचे वाली पत्तियाँ जो पुरानी बत्तियाँ होती हैं वो पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं इसके कंट्रोल सॉरी uh, इसके अटैक के कारण ठीक है ये एक ग्रे कलर की छोटी सी जैसे मक्खी होती है ना ग्रह मक्खी होती है सेम वैसी ही होती है तो कंट्रोल है स्प्रे ऑन द क्रॉप विद जीरो पॉइंट वन परसेंट मैलाथियोन टू कंट्रोल द ऑनियन फ्लाई इसके लिए मैलाथियोन का जीरो पॉइंट वन परसेंट का छिड़काव करना चाहिए पौधे के ऊपर नेक्स्ट है डिजीज़ मैनेजमेंट पर्पल ब्लाउच ये अल्टरनेरिया पोरी के कारण होती है ठीक है ये फंगस है मोस्ट फेवरेबल जो इसके लिए टेम्परेचर है मतलब ज़्यादा ये कह लो कि ज़्यादा जब मॉइस्चर रहता है तो ये ज़्यादा प्रिवलेंट होती है तो इसके लिए जो टेम्परेचर फेवरेबल अट्ठाईस से तीस डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है तब ये ज़्यादा होती है और दिस डिजीज मोर प्रविलेंट व्हेन हैवी रेनफॉल और इज डन एट इन क्लोजर स्पेसिंग ये ज़्यादा बीमारी तब शो होती है जब बहुत ज्यादा बरसात हो रही होती है और पौधे के अंदर दूरी कम रखी गई होती है प्लांटिंग दूरी कम होती है मतलब पौधे ज्यादा नज़दीक नजदीक उगाए हुए होते हैं तब ज्यादा डैमेज करती है पर्पलिश स्पोट आर सीन ऑन द लीव्स जो पर्पलिश कलर के पौधे के ऊपर धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं उसके पत्तियों के ऊपर तो कंट्रोल है इसके लिए वेन डिजीज सीन स्प्रे विद एंडोफिल एम फोर्टी फाइव टू पॉइंट फाइव ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर टेन टू फिफ्टीन डेज इंटरवल इसके लिए एंडोफिल एम फोर्टी फाइव का दो पॉइंट पाँच ग्राम पर लीटर के अंदर घोल बनाकर दस से पंद्रह दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए इसके अलावा रेजिस्टेंट वराइटियाँ उगानी चाहिए जैसे नासिक रेड है और का कल्याण है ऐसी किस्में नेक्स्ट है बॉटम रॉड और बेसल रॉड फ्यूजरिमऑक्सिस्पोरम के कारण होता है वैसे इनिशियल सिम्टम्स आर सीन एज येलोइंग ऑफ लीव्स डाई एंड डिसकलरेशन एंड डिकेड ऑफ़ रूट्स जो पत्तियाँ होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं और सूख जाती हैं मर जाती हैं इसके अलावा जो रूट्स होती हैं वो डिसकलर्ड हो जाती हैं मतलब वहाँ से गलना स्टार्ट हो जाती हैं अलग ही कलर की दिखाई देने लग जाती हैं इसके अलावा जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है मतलब जो ट्यूबर बल्ब होता है वो गल जाता है ठीक है नीचे से जड़ वाले पार्ट से तो इसको बेसल रोट इसीलिए है कहते हैं इसका कंट्रोल है अवॉइड ओवर वाटरिंग मतलब बहुत ज़्यादा अगर सिंचाई कर पानी खड़ा हुआ रहता है फील्ड के अंदर जब बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देते हो आप लगातार कर रहे हो तो उसके कारण भी जड़ें गलना स्टार्ट हो जाती हैं तो ये नहीं करना चाहिए प्लांटिंग शुड बी डन एट वाइडर स्पेसिंग तो प्लांटिंग जो रोपन होता है वो ज़्यादा अंतराल पर करना चाहिए यूज़ हेल्दी प्लांट मटीरियल मतलब जिस फील्ड में कभी आई है वहाँ से प्लांटिंग मटीरियल नहीं लेना चाहिए हेल्दी प्लांट मटेरियल यूज़ करना चाहिए उगाने के लिए इसके अलावा स्टोरिंग बल्ब एट थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब बल्ब को स्टोर किया जाता है तो उसको स्टोर उनतालीस डिग्री सेल्सियस के तापमान के अंदर करना चाहिए मतलब उनतालीस डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर इसको स्टोर करके रखनी चाहिए बल्ब को अगली फसल के लिए ब्लैक मोल्ड यह है एसपर जेलस नाइजर के कारण होती है और ये एक स्टोरेज ऑनियन की स्टोरेज वाली कह लो कि बीमारी है जो स्टोर करते हैं उस समय होती है कभी कभी प्याज के अंदर तुमने देखा होगा कि प्याज जो शीलका ऊपर वाला उतारा प्याज अंदर से काले रंग का हो जाता है मतलब काला काला सा एक पाउडर सा हाथों के साथ लग जाता है वो चीज ठीक है। टेंटेड बल्ब्स में शो डार्कन एट द नेक मतलब नेक के पास से जो डार्क कलर के हो जाते हैं इसके अलावा स्पोर्ट्स भी दिखाई देते हैं काले रंग के ठीक है इसके अलावा इसका कंट्रोल है फॉलो क्रॉप रोटेशन पहला तो कि फसल चक्कर अपनाना चाहिए मतलब ये बीमारी पहले फील्ड से ही आती है तो फसल चक्कर अपनाना चाहिए कि मतलब थोड़े पहले कोई और फसल बोनी चाहिए फिर उसके बाद मतलब बार बार वही फसल नहीं बोनी चाहिए इसके बाद मेंटेन गुड ड्रेनेज फैसिलिटी तो खेत के अंदर जो जल निकास की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ग्रो रेजिस्टेंट वैराइटीज़ कुछ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ भी हैं जिनके अंदर ये समस्या कम रहती हैं उनको उगाना चाहिए इसके अलावा स्टोरिंग बल्ब एट थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके अलावा जो बल्ब हैं इनको उनतालीस डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर करना चाहिए जिससे कि ये बीमारी कम हो इसके अलावा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कह लो इसके अंदर दो हैं मेन है जैसे एक तो बोल्टिंग बोल्टिंग समझी गए हो बोल्टिंग क्या होता है कि प्री मैच्योर इमरजेंस ऑफ फ्लोवर और, और सीड स्टॉक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन ऑनियन बोल्टिंग मतलब उसमें जो कभी कभी क्या होता है कि आपने प्याज लगा दिया खेत के अंदर भले वो पौध से ही लगाया हो जहाँ फिर बल्ब से लगाया हो तो उसके अंदर क्या होता है कि अपने तो उसको बल्ब प्रोडक्शन के लिए लगाया कि वह अपने उससे कंधे बन सकें प्याज बन सके पर उसके ऊपर क्या होता है कि वो फ्लोवर स्टाक निकाल लेता है फ्लोवर स्टाक एक लंबा सा फ्लोवर स्टाक निकले आता है ऊपर जिसके कारण क्या होता है कि जो उसके अंदर स्टोरेज मटीरियल होता है फूड होता है कंध के अंदर तो वो उसके अंदर चला जाता है वो फ्लोवरिंग के अंदर चला जाता है मतलब उस वो यूटिलाइज़ कर लेता है उस चीज़ को जिसके कारण प्याज हल्के हो जाते हैं और उनकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है और थोड़े फाइब्रस भी हो जाते हैं और इसके अलावा वो अंदर से हल, ये कह लो कि होलो हो जाते हैं खोखले हो जाते हैं ठीक है ठीके? वैसे तो ये जो पूरा का पूरा फील्ड होता है पूरा का पूरा फील्ड एक साथ बोल्ट नहीं करता तो इसके लिए जो क्या कहते हैं कि इसका जो कारण क्या है वैसे तो अपनी अभी तक कोई ऐसा ख़ास रीज़न रिसर्च के अंदर नहीं आया कि अपने ये बता सके कि इसके कारण ये होता है फिर भी जो लेट खरीफ सीज़न की फ़सल होती है जहाँ फिर अर्ली रवि सीज़न की फ़सल होती है उसमें यह समस्या ज़्यादा आती है तो इसका जो घरेलू लोग इलाज करते हैं वो भी बताता हूँ उसमें क्या करते हैं कि लोग उसके ऊपर प्याज की जब ये बोल्टिंग स्टार्ट होने वाली होती है लगता है कि अब बोल्टिंग स्टार्ट हो गई लगभग तीन महीने बाद फसल बोने के लगभग ढाई तीन महीने बाद तो उसके ऊपर प्याज की जो पत्ते होते हैं ना उनको ऊपर से रोलर चला दिया जाता है काटा नहीं जाता उनको रोलर चला दिया जाता है जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जो डंठल बनने स्टार्ट हुए होते हैं वो टूट जाते हैं रोलर चला देते हैं उसके ऊपर प्याज की पत्तियाँ नीचे बिछा देते हैं जिससे बिछ जाएँ ठीक है रोल कर देते हैं तो वैसे जो साइंटिफिक तरीका है इसके अलावा ग्रो रेजिस्टेंट वराइटीज़ रेजिस्टेंट वरायटी उगानी चाहिए वराइटी शुड बी ग्रोन अकॉर्डिंग टू टाइम विज अर्ली लेट जो उसकी किस्में हैं उनको टाइम के अनुसार उगाना चाहिए कि यह समस्या ना है कि खरीफ सीजन वाली है उसमें आ गई है आ गई ठीक है इसके बाद स्प्रे जीरो पॉइंट फाइव परसेंट मेलिक हाइड्राजाइड एम एच टेन टू तो ट्वेल्व वीक्स आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग लगभग दस से बारह वीक बाद मैलिक हाइड्रोजाइड का जीरो पॉइंट फाइव परसेंट का स्प्रे करना चाहिए जो कि इस बोल्टिंग को समस्या को थोड़ा कम कर देती है नेक्स्ट है बल्ब स्प्राउटिंग बल्ब स्प्राउटिंग स्प्राउटिंग ऑफ ए मेजर प्रॉब्लम इन लॉन्ग टर्म स्टोरेज जब अपने प्याज को लंबे टाइम तक स्टोर करते हैं उस समय यह स्प्राउटिंग मेजर प्रॉब्लम है स्प्राउटिंग इज मोर वैन द बल्ब इज स्टोरचर एंड हाई ह्यूमिडिटी जब बल्ब को ज़्यादा तापमान और ज़्यादा ह्यूमिडिटी नमी के अंदर ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखा जाता है तो ये समस्या ज़्यादा दिखाई देती है मतलब पड़े पड़े प्याज कभी कभी तुमने किचन के अंदर भी देखा होगा वहाँ भी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और मॉइस्चर ज़्यादा रहता है क्योंकि कुकर वहाँ पर हमेशा सारा दिन सीटियाँ मारता रहता है ठीक है उसके कारण मॉइस्चर नमी ज़्यादा रहती है उसके उसके अंदर तो उसके उससे प्याज जल्दी जो आपके रसोई या किचन में पड़े हुए हैं वो जल्दी स्प्राउट होते हैं ठीक है तो ह्यूमिडिटी के कारण और टेम्परेचर के कारण इसके अलावा हार्वेस्टिंग बिफोर फिफ्टी परसेंट मैचोरिटी मतलब अगर आपने हार्वेस्टिंग पचास परसेंट मैचोरिटी से पहले ही कर लिए जाएँ तो भी ये समस्या आती है इसके अलावा डिले हार्वेस्टिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्प्राउटिंग अगर हार्वेस्टिंग लेट की जाती है ठीक है जैसे वो फील्ड में सूख गई पत्तियाँ पर वो फिर भी फील्ड में पड़े हुए हैं तो फिर अपने उसको बाद में थोड़े टाइम बाद हार्वेस्ट करते हैं तो उससे भी स्प्राउटिंग की समस्या आ सकती है इसका कंट्रोल है एक तो ए वीक बिफोर हार्वेस्टिंग 200 हंड्रेड पी पी एम एम एच स्प्रेड टू रिड्यूस द स्प्राउटिंग एंड रोटिंग इन स्टोरेज हार्वेस्टिंग से पहले 200 सौ पी पी दो हज़ार पी पी एम हाइड्राजाइड का स्प्रे करना चाहिए जिससे दो समस्याएँ सही हो जाती हैं एक तो रोटिंग जो प्याज गल जाते हैं स्टोर करते टाइम और एक स्प्राउटिंग है इन दोनों से बचा जा सकता है ठीक है इसके अलावा ग्रो रेजिस्टेंट वरायटी सॉरी ग्रो हैव टाइटली क्लोज नेक एंड्स जो उसका नेक एंड होता है यानी कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो जहाँ से ये स्प्राउटिंग स्टार्ट हुई है ये नेक एंड है जहाँ से ये टाइटली बंद होना चाहिए ठीक है तो वो वरायटियाँ उगानी चाहिए इसके अलावा ए डोज ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स ऑफ गामा रेज आफ्टर हार्वेस्ट इन मई जून इफेक्टली विद स्प्राउटिंग ऑफ ऑनियन इसके अलावा जो गामा रेज हैं रेडिएशन है हैं उससे भी स्प्राउटिंग को कम किया जाता है अगर मई जून के अंदर उससे उसको ट्रीट किया जाए गामा रेडिएशन रेडिएशन से ये फाइव टू फिफ्टीन के रॉड के अंदर भी लिखा रहता है कि जो उसकी यूनिट है रेज की उसके अंदर किलो रोड रॉड ठीक है इसके अलावा मेंटेन प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी लाइक वेंटिलेशन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इसके अलावा जो स्टोरेज है आपका जहाँ पे भी इसको स्टोर किया वहाँ जो उसकी आ, एनवायरमेंट कंडीशंस होती हैं जैसे वेंटिलेशन हवा आना जाना वो भी कंट्रोल सही होना चाहिए टेम्परेचर भी सही रखना चाहिए स्टोरेज वाला इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल में रखनी चाहिए प्रॉपर क्यूरिंग ऑफ बल्ब बिफोर स्टोरेज इसके अलावा बल्ब की जो पहले क्यूरिंग की जाती है उनको सुखाया जाता है वो ढंग से की जानी चाहिए इसके अलावा अप्लाई द रिकमेंडेड डोज ऑफ एनपीके फर्टिलाइज़र खेत के अंदर जो जितनी रिकमेंडेड डोज है निर्धारित मात्रा है उतने ही में ही नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र या जो फर्टिलाइज़र हैं उनको डोज देनी चाहिए इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर शुड बी जीरो पॉइंट टू पॉइंट टू जीरो डिग्री सेल्सियस फॉर लॉन्ग टाइम स्टोरेज ऑफ ऑनियन बल्ब्स जो कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर है जहाँ पे भी मतलब इसको भंडारण किया जा रहा है वहाँ पे जो टेम्परेचर के अंदर मतलब जो टेम्परेचर रखा जाता है जीरो से दो दो डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना चाहिए इसको क्योंकि ऑनियन को जब थोड़े कम टेम्परेचर पे रखा जाता है यानी कि दो जीरो से लेके दो पॉइंट दो तक तो ये ना तो स्प्राउटिंग करता है और लंबे टाइम तक पड़ा रहता है स्टोर रहता है जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा पे जाए इसके लिए जो उगने वाला टेम्परेचर होता है वहाँ पर रखा जाता है तो ये स्प्राउटिंग होना स्टार्ट हो जाता है थैंक यू